झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं, बालों में हाथ लगाने का मन ही नहीं करता है। साथ ही साथ ये लगता है कि ये झाड़ू जैसे बाल जो नीचे से उलझे उलझे रहते हैं, धीरे धीरे टूट टूट के हम गंजे हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी DIY होम रेमेडी, जिसमें कि हम यूज़ करेंगे स्पा क्रीम। क्रीम मीन्स ये ऐसी क्रीम है जो कि आप रात को लगा के सो सकते हो। बालों में तेल जब लगाते हैं उसकी बजाय हमने इस क्रीम को लगाना है पूरी रात के लिए। आप इसको रख सकते हो, एक दिन दो दिन के लिए रख सकते हो, और इसका इफ़ेक्ट जो है नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप वॉश करोगे अपने हेड को, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। मार्केट के जितने भी आपके प्योर ऑयल्स, प्योर जो भी आप मॉइस्चराइजिंग वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये हमारी रेमेडी है। मैं आप सबको बता दूं कि 6 days का हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, जिसमें आप अपनी सी चोटी को मोटी सी चोटी बना सकते हैं, उसको जरूर ट्राई करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स वालों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही साथ ग्रे हेयर चैलेंज जो चल रहा है, उसमें भी आप अपने सफेद बाल को नेचुरली काला कर सकते हैं, तो उसको भी जरूर ट्राई करिएगा और शेयर भी करिएगा, मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो भी राय है आपके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो ज़रूर 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 अपना फीडबैक दें। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेयर स्पा क्रीम की, जो कि हम घर पे बनाएंगे, अपने हेयर टाइप के हिसाब से बनाएंगे। हमारे बालों में हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं। हम पानी भी कम पीना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारे बाल और ज़्यादा ड्राई होने लग जाते हैं। सो विंटर्स में उसको मॉइस्चर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी एक होम रेमेडी, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है आपके लिए और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, 200% इफ़ेक्टिव है। फास्ट एप्लीकेशन में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने लिया है शिया बटर। शिया बटर में विटामिन ए और विटामिन ई होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं इसमें, जो कि आपके हेयर में शाइन और मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं। नॉन ग्रीसी क्वालिटी होती है, इसलिए इसको एक्सेलेंट मॉइस्चराइजर माना गया है हेयर के लिए। आपके ड्राई ब्रिटल हेयर को सॉफ्टन करते हैं और ये स्प्लिट एंड्स को भी रिड्यूस करते हैं। शिया बटर में स्मॉल अमाउंट में SPF होता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करता है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज से, और ये आपके ड्राई और ईची स्कैल्प को सूदन करता है, और हीट से अगर कोई हेयर के डैमेज हुआ है तो उसको भी रिपेयर करता है। आपके हेयर में डीपली पेनिट्रेट होकर ये मॉइस्चर करता है और सॉफ्टन करता है आपके हेयर को, और मॉइस्चर को आपके हेयर के अंदर सील कर देता है, एंड देन प्रिवेंट करता है ये आपके हेयर लॉस को और प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच लिए हैं शिया बटर के। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने लिया है कोकोआ बटर। कोकोआ बटर यूज़ करने से आपके हेयर की ग्रोथ अच्छे से होती है, और कोकोआ बटर में हीलिंग और सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे कि आपका हेयर हेल्दी और शाइनी दिखता है। नाउ ये मॉइस्चर देता है आपके हेयर को, मैनेजेबल बनाता है आपके हेयर को, आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, स्ट्रेंथन करता है आपके हेयर शाफ्ट को, वॉल्यूम ऐड करता है आपके हेयर में, और आपके केमिकल प्रोसेस से अगर कोई भी ऑयल लॉस्ट हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है हमारे बालों में, उसको भी ये रिपेयर करता है, हेयर स्ट्रैंड्स को रिपेयर करता है, एंड देन फर्दर डैमेज होने से बचाता है। सो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच की जितना कोकोआ पाउडर। जिसको हमने एक बाउल में ऐड कर देना है, तो मैंने यहाँ पे दोनों को एक बाउल में ऐड कर दिया है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 1/4 लिया है कोकोआ बटर एंड देन 1 कप लिया है शिया बटर। सो इस क्वांटिटी में आपने इसको डबल बॉयलर मेथड में मेल्ट कर लेना है। आपने एक
एक पैन लेना है, उसमें पानी डालना है, पानी को अच्छे से बॉईल होने देना है और उसके अंदर हम ये बाउल रख देंगे। पानी गर्म है, धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगा। हमने इसे हीट नहीं करना है, हमने इसे मेल्ट करना है। अच्छे से जब ये मेल्ट हो जाएगा तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बटर्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं आपके हेयर के लिए, क्योंकि ये डीपली पेनिट्रेट भी करते हैं और साथ ही साथ आपके लिए प्योर होते हैं। जब कोई प्योर चीज़ हम यूज़ करेंगे तो हमारे बालों के लिए तो अच्छी है ही, हमें डबल बेनिफिट्स मिलते हैं इसके। जब आपके पास ये ऑयल तैयार हो जाए तब आपने इसमें डालना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है, तो यहाँ पे आधा कप मैंने डाला है कोकोनट ऑयल। इसको हमने इसमें मिक्स कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड देन इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे एक घंटे के लिए। एक घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये जम गया है। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इसी तरह से ही रहेगा और इसको मैंने जल्दी जमाने के लिए एक घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तब भी ये इस तरह का हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें डालना है हमने कोई भी फेवरेट असेंशियल ऑयल। रोजमेरी असेंशियल ऑयल जो है आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो यहाँ पर मैंने कुछ बूंदें इसकी डाल दी हैं और इसको अच्छे से हमने फेट करना है। यहाँ पे आपने बहुत मेहनत करनी है और थोड़ा सा अच्छे से इसको फेटना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसके मिक्स हो जाएं और इसकी जो क्रीम है ये फ्लफ़ी टाइप की बन जाए। नाउ ये क्रीम जो है ये फ्लफ़ी बन गई है और ये अभी थोड़ी सी पतली लग रही है, लेकिन जब हम इसको रख देंगे रूम टेम्परेचर पे तो ये हमारा क्रीम जैसे दिखता है। जैसे हम हेयर स्पा क्रीम बाज़ार से लगाते हैं उसी तरह का ये है। इसको हम एज ए हेयर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसको लगा के हम छोड़ भी सकते हैं। आपने इसको अपने बालों में लगाना है। वीकली वंस इसको यूज़ करिएगा। अपने बालों में लगा के आप इसको रख भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो आधे पौने घंटे बाद इसको वॉश भी कर सकते हैं। जो भी शैम्पू आप यूज़ करें अच्छा यूज़ करें, नेचुरल यूज़ करें। और ये जो है ये आपको सर्दियों में डैंड्रफ होने से बचाएगा। आपके स्कैल्प में ड्राइनेस नहीं होगी, ना ही आपको किसी तरह की ड्राइनेस फील होगी आपके बालों के एंड्स में। ड्राइनेस विंटर्स में बढ़ जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये जो है ये आप स्टोर करके रख सकते हैं 4 to 5 months या फिर इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी वाटर नहीं यूज़ किया है। ये सारे ऑयल बेस्ड हमारा इंग्रेडिएंट्स थे। इसको आप 6 months तक भी स्टोर करके रख सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बड़े बूढ़े मेन और बच्चे सारे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज़ करिएगा। इसको आपने एक बाउल में ले लेना है और डबल बॉयलर मेथड से इसको मेल्ट कर लेना है। ये ऑयल का ब्लेंड है और उसके बाद आपने इसको जड़ों में लगाना है और कॉटन की हेल्प से लगा सकते हैं। और उसके बाद अपने हाथों से इसको मसल के पूरे बालों में इसको लगाइए और अच्छे से उसको रहने दीजिए 15-20 मिनट के लिए। और फिर आपने कॉम करना है उसको, आपने बालों को सुलझाना है। उसके बाद आपने उसकी चोटी बनानी है और रात भर के लिए रखना है। कम से कम रात भर रख सकते हैं और अगर रखना चाहे तो आप इसको 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं। 2 दिन के बाद भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। झाड़ू जैसे बाल एक ही बार में सीधे हो जाते हैं, ये मेरी 100% श्योर हूँ कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि ये ब्लेंड मैंने बनाया है, ये ब्लेंड है ऑयल्स का, बटर्स का एंड इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे आपको ब्लेंड दिखाया है बटर्स का, ऑयल्स का या फिर असेंशियल ऑयल्स का। इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी हेयर टाइप के हिसाब से। ड्राइनेस अगर है तो आप कोल्ड प्रेस्ड, एक्स्ट्रा वर्जिन ये सारे ऑयल्स यूज़ किया करें। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, जो भी चाहें आप परचेज कर सकते हैं। बट ये जो शिया बटर और कोकोआ बटर है ये आपके बालों को अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होकर मॉइस्चर देता है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में एक बार। नहाने से पहले आपने इसको आधे पौने घंटे पहले लगा लेना है और फिर हेड को वॉश करना है। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको आपने वीक में कम से कम एक बार यूज़ करना है। कंटिन्यूस यूज़ करिएगा तो 3-4 हफ्ते में आपको आपके बालों में टेक्स्चर में बहुत अच्छा सा फ़र्क नज़र आएगा। और बाज़ार के जो हेयर स्पा क्रीम्स हैं या कोई भी ब्लेंड ऑफ ऑयल्स होता है उनसे लाखगुना अच्छा ये हमारा होम रेमेडी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एंड देन कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आप अपने बालों को मॉइस्चर देते हैं, कौन सा तेल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और कौन सा तेल आप यूज़ करते हैं बचपन से, या फिर कौन सा तेल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके बालों के मॉइस्चर के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेट रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का।
सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा. आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.